खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और अब आज की अगली बड़ी खबर। कल पंचतामा में हमने आपको दिखाया था कि कैसे पीएम मोदी की भतीजी के साथ दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में लूटपाट हुई। आज दिल्ली पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया, दूसरे की तलाश जारी है। साथ ही घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में इसी सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को दमयंती मोदी के साथ लूटपाट करने वाले दोनों लुटेरों का सुराग मिला। इसमें जो स्कूटी चला रहा है वो बादल है। जो स्कूटी के पीछे बैठा है और पर्स छीन रहा है उसका नाम नोनू है। पुलिस के मुताबिक नोनू नबी करीब का रहने वाला है, जबकि बादल सुल्तानपुरी में रहता है। पुलिस ने नोनू के पास से दमयंती का पर्स, दस्तावेज और नकदी का बड़ा हिस्सा बरामद कर लिया है। दमयंती के पर्स में 56,000 कैश, 2 मोबाइल, 2 डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज थे। इससे जो हमारी केस प्रॉपर्टी थी, इनका कैश सारा 56,000, दोनों मोबाइल रिकवर हो गए हैं। जो स्कूटी इन्होंने यूज की थी कल स्नैचिंग में वो भी रिकवर कर ली गई है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रिकवर हो गए।